हमारे यहाँ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया, पूरे देश में मनाया गया। और ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि देश के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे देश में जितने भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उनको मिलकर ही मनाते हैं। ईद ये खुशी का त्यौहार है, ईद कहते हैं खुशी को। अब खुशी किस तरह की कि समाज का जो भी वर्ग है बियॉन्ड द रिलीजन, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी समाज हैं, बियॉन्ड द रिलीजन जितने भी लोग हैं उन तमाम में जितने गरीब हैं, ऑर्फन हैं, विडोज हैं, हैंडीकैप हैं, डीफ एंड डंप हैं, जितने भी हैं उन सारों का ख्याल रखा जाए। उसके लिए हमारा इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि आप सदकातुल फितर दो। तो इस बार हमने लोगों को बताया कि एक आदमी का 51 रुपये सदकातुल फितर है, वो यहाँ आने से पहले पहले उसको अदा करे ताकि जो गरीब हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में रहते हैं वो भी, किसी को स्कूल की फीस जमा करानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, उनके घर में भी ईद बन जाए, और जो किसी को दवाई लानी है, जो भी है वो काम उसमें से हो। और वो लोगों ने किया और ये कॉल हम हमेशा करते हैं। हमेशा हम अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने शहर के आपसी भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। हमेशा हम प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। देश की तरक्की के लिए, देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए, सरहदों की मजबूती के लिए, दुश्मन कोई हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे एक एक नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए यहाँ पर हम दुआएं करते हैं। Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin La'allahum yatafakkarun Huwa Allahu alladhi la عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله عزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله أكبر जी आज माशाल्लाह हमारे माह रमजान मुबारक के महीने के बाद जो कि है
वो हमारे यहाँ एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो लोगों के लिए इनाम होता है वह ईद के तौर पर मनाया जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ही दूर दराज से आते हैं और अपनी नमाज अदा करते हैं, नमाज के अंदर दुआएं मांगते हैं, जो हमने माह रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े रखे होते हैं उनकी कबूलियत का ये दिन होता है और उसके लिए दुआएं की जाती है, ख़ासकर अपने इलाके के लिए, अपने जो कि देश के लिए और अपने अहल वयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए, और जो भी जिस तरह से भी परेशान हाल होता है वो अपने रब के सामने अपनी फरियाद रखता है। माशाल्लाह मैं ईदुल्फितर के दिल की गहराइयों से सबको ईदुल्फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ासकर चंबा वासियों को। और चंबा में माशाल्लाह देखा गया कि चाहे मुस्लिमों का त्यौहार हो या चाहे हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, हम आपस में एक दूसरे के साथ गले मिल करके हर त्यौहार की बधाइयाँ और उसकी खुशी की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस समस्त चंबा वासियों को और प्रदेश वासियों को ईदुल्फितर की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले सालों में भी हमने इसी ईदगाह में ईद की नमाज़ को अदा किया है, तो आज मुकर्रर टाइम 10 बजे ईद की नमाज़ को अदा किया जाएगा और चंबा के सभी जिलों सभी जगहों से लोग यहाँ पर आके ईद की नमाज़ को अदा करेंगे और यहीं पे ईद की नमाज़ होगी। आपसी भाईचारा, तो आपको पता ही है कि हम चंबा में एक गंगा जमुनी तहजीब जो है वो चली आ रही है शुरू रियासत काल से, तो उसको अभी भी ऐसे चलता आ रहा है। जैसे हिंदू लोग हमें अभी से सुबह से ही मुबारकबाद देना उन्होंने शुरू कर दी है और वो हमारे घर में आएंगे, हम उनके घरों में भी जाएंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे और ये मीठी ईद होती है सेवैयाँ खा के सब लोग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस मस्जिद में 3-4 साल से तकरीबन खिदमत दीन अंजाम दे रहा। आपने सवाल किया है कि ईद क्या है और इसका पैगाम और मैसेज क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इससे पहले के कुछ बतलाऊँ, सबसे पहले मैं तमाम अहले वतन को, तमाम भाइयों को, बहनों को, माओं को ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से, सब की तरफ से। दुनिया के अंदर जितनी कौमें आबाद हैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें वो खुशी मनाती हैं और उनके लिए वो दिन बहुत ही खुशी का दिन होता है। ऐसे ही इस्लामी त्यौहारों में हमारे 2 बड़े त्यौहार हैं जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, जिनमें हम जो है शुक्राने के तौर पर 2 रकात अदा करते हैं, ईद की नमाज़ अदा करते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। इसका पैगाम और मैसेज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और ईमान दिया, ईमान की अजीम नेमत दी, तो हमें सीधे रास्ते पर चलाया, सिराज मुस्तकीम पर चलाया और अल्लाह ताला ने हमें अपने आगे झुकने का की तौफीक दी और सजदा करने की तौफीक दी, नमाजों की तौफीक दी, तरावी की तौफीक दी, रोज़ों को हमने रखा, तरावी को अदा किया और भी दीगर उमूर खैर हमने अंजाम दिए, तो उसके शुक्र अजीम शुक्राने के तौर पर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हमें 2 गाना अदा करने की भी ताकीद भी फरमाई है और शुक्राने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिन भी इनायत फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिल कर के
इस ईद को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई यानी मिलजुल करके जो है इसको मनाएं, जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ें, जो कमज़ोर और बेसहारा लोग हैं उनका साथ दें, जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार और गरीब हैं उनका हम ख्याल रखें, जो हमसे रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। ईद का ये त्यौहार इसीलिए है कि दिल में जो नफ़रतें और अदावतें और कदूरतें भरी पड़ी हुई हैं जो है उनको भूल करके जो है हम गले मिल करके खुशियों का लोगों को पैगाम दें, और ये इसका एक अच्छा मौका है हमारे पास में। तो ये पैगाम ये है इसका कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, हमें ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान दिया, अहकाम अदा किए और उसके ऊपर चलने की तौफीक दी। तो लिहाजा हमें आइंदा भी इस तरीके से आज हमें खुशी महसूस हो रही है, रोज़ों की पाबंदी करने के बाद, रोज़े रखने के बाद, तरावी अदा करने के बाद, एक दिन वो आएगा कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी मौत वाक़ हो जाएगी, तो बाद मरने के अगर हम अच्छा अमल करके जाएंगे जैसे आज हमें खुशी महसूस हो रही है ऐसे ही भरोसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।